अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भरे पड़े हैं आपके पास, 80 करोड़ क्या है आपके लिए? उन्हें 80 करोड़ देके आप हमारे बच्चों को छुड़वा लीजिए मालिक। हाँ हाँ मालिक, आप उन्हें 80 करोड़ दे दीजिए। 80 करोड़ तो सू, एक रुपयों पर नहीं। आप क्यों नहीं देंगे, क्यों पैसे नहीं देंगे आप? उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो एक बच्चे को नहीं छोड़ेंगे वो। देखिए आप उन्हें पैसे दे दीजिए। ये न्याय, ये गाँव, ये बच्चा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। आप पैसे दीजिए और मेरा बच्चा लाके दीजिए। ये शांति रखो। आज 13 शिशु का अपहरण किया है, अरे मैंने रुपये दे दिए तो परिवार करेंगे ना, अधिक पैसा मांगेंगे, तो परिवार देना पड़ेगा। 25 रुपया देने से इनका साहस बढ़ जाएगा। एक बार मन में लालच आ जावे ना तो उसका कोई अंत नहीं होता। काले सूता से यार सुधी, शिशु अपने विद्यालय से वापस नहीं आएगा, माता पिता चिंता करते रहेंगे। पची इतला माटे है, मैं इस लालच को जड़ से काट देना चाहता हूँ। मेरा वचन है कि हर शिशु अपने अपने घर स्वस्थ और सुरक्षित वापस आएगा। ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि माँ की ममता अंधी होती है। बच्चों के आज का पता नहीं और आप भविष्य की बातें कर रहे हैं। कोई नहीं मानेगा इस फैसले को, कोई नहीं मानता इस फैसले को। मैं मानूंगा इसकी बात। मैं मिस्टर धर्मराज माहेश्वरी के निर्णय से सहमत हूं, क्योंकि हमारी बात इस पर पहले हो चुकी है। मेघा, मैं जानता हूं ममता अंधी होती है, पर मिस्टर धर्मराज माहेश्वरी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमने उन्हें पैसे दे दिए, उनकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी और वो हर तीसरे दिन किसी बच्चे का अपहरण करेंगे। हमें उनके साथ लड़ना है। वी विल नॉट गिव इन। हम कायरों की तरह अपने घुटने टेक कर उनकी बात नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे और आज अगर पूरा गांव एक साथ हो जाएगा ना तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हाँ मालिक, बरसों से आपने जो भी निर्णय लिया है सही लिया, सबके भले के लिए लिया, और बरसों से हम आपके साथ हैं और आज भी साथ हैं। हाँ मालिक, सब आपके साथ हैं। मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अने मैं वचन दे चुका हूँ, तुम्हें चिंता ना करो, सबके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। पहले गांव के बच्चे आएंगे, पची मेरे घर के बच्चे। अबे राजनीति और नीति नहीं बात, हर अपराधी संघ ने अपने अपने अपराध का प्रचार किया है ताकि लोग उनसे भयभीत रहे। पर अपहरणकर्ता ने जो पत्र मुझे भेजा उसमें लिखा है कि अगर ये बात हमने किसी को बताई, ये पत्रकारों को बताया, तो बच्चों का नुकसान करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वो लोग कायर है अने कमजोर है, इसी कमजोरी का फायदा हमको उठाना है। पापा, आप वो मीडिया वालों से बात करना चाहते थे, वो लोग आ गए। जा ले आओ हमने। मीडिया वाले किडनैपर्स ने मना किया था ना, अगर उन्हें पता चल जाएगा वो हमारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैड, यहाँ मैं तेरा बाप नहीं, गांव का मुखिया हूँ। धर्मराज जी, आज पहली बार आपने मीडिया को बुलाया, इसके पीछे क्या वजह है? और हमने सुना है कि गांव के बच्चों के साथ साथ आपके घर के बच्चों को किडनैप किया है। सर, आज तक सारे फैसले आप खुद लेते थे, पहली बार गाँव के मामले में आपने मीडिया को इन्वॉल्व किया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैंने यहाँ तुम लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं बुलाया, इसीलिए बुलाया कि धर्मपुर को तुम सबकी सहायता की आवश्यकता है। आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अपहरणकर्ता ने जो 80 करोड़ रुपए की मांग की है वो रुपया मेरे पास तैयार है। अच्छा, तो आप उन तक ये
मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप उन्हें पैसा कब और कहां देंगे। नहीं, ये बताना चाहता हूं कि रुपया मैं उनको नहीं दूंगा, पर उस आदमी को दूंगा जो अपहरणकर्ता से मेरे बच्चों को छुड़वा के लाएगा। खोटे हाथों में नहीं दूंगा, भले हाथों में दूंगा जो हाथ धर्मपुर की भलाई करेगी। अरे आज ये मालिक ने कैसी घोषणा कर दी, वो भी इतनी बड़ी घोषणा। अने तू, मने खबर छे कि तू जिधर भी है मुझे इस समय देख रहा है, तेरी आंखों में भय है ने मन में कष्ट। पत्र में लिखा था ना कि मैं इस बात का प्रचार नहीं करूं, आजो मैंने किया। अवे तेरे सर पे काल मंडरा रहा है, क्योंकि फक्त धर्मपुर नहीं पण आखी गुजरात ने आखा देश तुझे ढूंढ रहा है। अने तू याद रख छे जो मेरे एक भी बच्चे पर आंच आवी ने मैं पोते तुझे ढूंढ के ऐसी मौत दूंगा कि तू भूलते नहीं भूलेगा, याद रख जा। तो अब हम क्या करेंगे साहब, दरदाजू तो पैसा देने से मना कर दिया। हाँ मना कर दिया उसने, सारा खेल बिगाड़ डाला उसने। अगर गांव के हर आदमी को 80 करोड़ का लालच आ गया और वो हमें ढूंढने के लिए निकल गया तो हम तो गए जेल में। इस आदमी ने तो पूरे प्लान को बदल के रख दिया। क्या करेंगे हम, उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, नहीं जीतने दूंगा उसको मैं। अब ध्यान से सुनो, 24 घंटे का समय दिया ना उस धर्मराज भैया वंशी ने, तो अब हमें 24 घंटे में ही कुछ करना होगा। हमें 24 घंटे में उस धर्मराज भैया वंशी की बाजी को पलट के रख देना होगा। उस धर्मराज भैया वंशी के इस प्लान को हमें फेल करना ही होगा। मैं तो कहता हूं जान से मार दो एक बच्चे को। ए! पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। सुना नहीं तूने उसने क्या था? सुना नहीं? अगर एक बच्चे को भी कुछ हो गया ना तो वो हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। धर्मराज भैया वंशी नाम है उसका। उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत बड़ा शैतान है, ना तो खुद खाना खा रहा है और बाकी सारे बच्चों को भड़का रहा है। जब मैंने खाने खाने के लिए बोला तो उल्टा खाने की प्लेट मेरे सर पे दे मारी। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, एक बच्चे से तुम लोग की हालत खराब हो गई। जाओ जाकर उसे किसी और कमरे में बंद कर दो। जी मालिक। ए? जी मालिक। एक एक बच्चे पर ढंग से नजर रखना, समझे? अबे जाओ। जी मालिक। नहीं धर्मराज मैया वंशी, नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला, नहीं मानूंगा मैं हार। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें लेकर रहूंगा। भैया वंशी जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो हिस्सा तुम्हें लेकर रहूंगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के रहूंगा। वंशी अब तुम्हें बताऊंगा, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। पत्रकार सुधी केवी थे पहुंची गया, तू दारोगा को फोन करके बोल कि घर के पास मेरे को पत्रकार नजर नहीं आना चाहिए। क्यों डैड? आपने ही तो मीडिया को बुलाया था ना प्रचार के लिए, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि प्रचार पंचायत में हो या घर में हो? क्यों कहवा मांगे छे? वही बोल रही हूँ जो आपने पंचायत में बोला था डैड, आपको हमारे बच्चों से ज्यादा गांव के बच्चों की फिक्र है, क्योंकि आप धर्मराज माहिया वंशी हैं, इस गांव के कर्ता धर्ता। वहां तो आपने मेरा मुंह बंद कर दिया ये बोल के कि पंचायत में आप मेरे पिता नहीं, लेकिन यहां तो आप मेरे पिता है ना। इस घर के छत के नीचे मुझे आपसे सवाल पूछने का हक बनता है ना। हाँ आपकी बेटी हो ना इस घर में, अब तो आप बहुत खुश होंगे ना डैड। पहले तो सिर्फ धर्मपुर वाले आपको भगवान मानते थे, लेकिन अब
गुजरात की गली मोहल्ले सब जगह। गुजरात ही क्यों, पूरे देश के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, बोलेंगे वाह धर्मराज माहेवंशी कितना अच्छा इंसान है, अपने बच्चों से ज्यादा गांव के बच्चों की फिक्र करता है। कद्दू ये कैसे बात कर रही है तू नानका के साथ, क्या ये तरीका है बोलने का? सच्चाई बोलने का कोई तरीका नहीं होता है तरुफ भाई, सच्चाई सच्चाई होती है और मैं सच बोल रही हूँ। आपको हमारे बच्चों की मौत मंजूर है लेकिन पैसे देना मंजूर नहीं। नंदिनी को तो आप छोड़ो, नंदिनी आपकी बेटी की बेटी है लेकिन कृष्णा, कृष्णा के रगों में तो आपके वंश का खून दौड़ रहा है ना, कम से कम उसके लिए तो पैसे दीजिए। वंश बड़ा है या पैसे? ओ मैं तो भूल ही गई, रियली सॉरी। अब तो आपकी और संतु की संतान होने वाली है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे आपको। आप 80 करोड़ हमारे बच्चों पर खर्चा करेंगे तो आपके बच्चे के लिए क्या बचेगा ना डैड? आप चिंता मत कीजिए, नंदिनी को मैं संभालूंगी, नंदिनी की मदद मैं करूंगी। मुंगी, मुंगी तो मेरी मदद करेगी ना, मेरा साथ देगी ना? निर्वाह तू तो मेरा साथ देगी ना? हाँ है ना, तो मेरे साथ सूरज तू पैसे जुटाने में मेरी मदद करेगा ना? तू तो है ना मेरे साथ, देखा डैड सब सदस्य है मेरे साथ, आप मेरी मदद मत कीजिए, आप लेने दीजिए, ये तो मेरी मदद करेंगे। कद्दू ये क्या बके जा रही हो बेटा? बा, ये बाप और बेटी के बीच का माफ, आप बीच में मत बोलिए, और वैसे भी नंदिनी मेरी बेटी है, इनकी तो नातिन लगती है ना। आप सही है डैड, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी संतान को संभालो, मैं अपनी संतान को संभालती हूँ, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मैं ठीक हूँ, मुझे मदद मिल जाएगी। चुप कर, मरी गयु तारू है, अपने बाप की तुलना तू रुपयों के साथ कर रही है। नानका ये उभी रहे मोटी बहन, पूछने तो दे कि अपने बाप को इसने रुपये के मुंह में कब देखा। ये जा कागड़िया ने कलम लेके आ जा। चलना जल्दी कर, हस्ताक्षर कर। पकड़ ले, अरे पकड़। पूरा कागड़िया है हस्ताक्षर के साथ में, जो भरने का है ना भर लेना, और आज बची अपने बाप को बोलना मत कभी कि अपनी संतान से अधिक मुझे रुपये से मोह है। क्रोधित मत होइए मालिक। अरे क्रोध ना करूं तो शू करूं है? जोयो ना ते, देखा ना तूने किस प्रकार बात की उसने मेरे साथ? आओ तो कोई दिख रही अपने बाप के साथ में ऐसे बात करती होगी? बोलती है कि मैं रुपया नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अपनी संतान के लिए बचा रहा हूं रुपया। अरे मारी नातिन छे नंदिनी, वो बीमार थी ना तो रात रात भर जाग के उसको कहानी सुनाई मैंने। ये कादंबरी पैदा हुई थी ना तो पूरे गांव में पूरे धर्मपुर में मैंने मिठाई बांटी। अबे आज अटली मोटी थी कि मारा जोड़े अभी बात करे छे? तू बोल बाप के साथ कोई ऐसी बात करता है? मालिक आप शांत रहिए मालिक। हाँ हाँ
है तुम सिमा। तुलसी इसीलिए लगाई जाती है कि घर की चौखट पे कोई दुख ना आए, और तुलसी माँ घर के सब दुख दूर कर दे। हे माँ, आज इस घर पे जो संकट आया है ना, वो सिर्फ तू ही टाल सकती है माँ, तू ही। ये क्या है चप्पा गले? जीबा, ये पोटले कर रखे गए? ये सिक्योरिटी होने के बाद ये यहाँ पर कौन रखा जा सकता है? रात को 2 बजे गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती है, लगता है उसी का फायदा उठाकर उन्होंने ये बॉक्स छोड़ा है। आप इसे खोलिए तो सही। नंदिनी को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है नंदिनी को। इन कपड़ों के साथ उन्होंने चिट्ठी भी भेजी और चिट्ठी में लिखा है कुछ नहीं हुआ है कद्दू, कुछ नहीं हुआ है। चिट्ठी भी भेजी उन्होंने, कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर धर्मराज माया मच्छी, बहुत शौक है ना आपको समाज सेवा करने का, अब देखना हम आपके बच्चों के साथ क्या करते हैं। अभी तो सिर्फ ये खून से सने कपड़े भेजे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगली बार आपकी नाती और पोते की लाश आएगी। और उसके उसके जिम्मेदार सिर्फ आप। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो अगली बार लाशें मिलेंगी। घबरावानी कोई बात नहीं, या खाली ना कोरी धमकी है। हमने जो किया ना उसे भयभीत होके भेजा है, इस कारण से हम भी डर के रुपया दे देवे। मैडम को अभी भी ये धमकी लग रही है? ये नंदिनी के कपड़े आपको, आप देख रहे हो ना, ये नंदिनी के कपड़े खून है इन पर। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर वो लोग सच में वो सब कुछ कर बैठे जो उन्होंने बोला है ना, वो अगली बार हमारे बच्चों की लाशें भेजेंगे। डैड मर जाएगी हमारी बच्ची, उन्हें पैसे दे दीजिए। मैं उन्हें पैसे दे दी, पैसे क्यों नहीं दे? ठीक छे, हजू पण 10 कलाक बाकी है ने जितेन, बाकी जो बच्चों का अपहरण हुआ ने सबके माता पिता को बुला मेरे पास। मैं घोषित कर देता हूँ कि रुपया दे देंगे।